प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, एक बड़ी प्यारी सी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ फॉर द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस। ये बात है बड़ी अर्ली डेज की, जब मैं जीसस में आई, नई नई आई थी, और जैसे दीवानी मैं आज भी हूँ, उस टाइम भी ऐसे ही थी। और मुझे ना एक ख्वाब आया, और उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं जीसस के साथ, आई एम डांसिंग विद जीसस। और बड़ा ब्यूटिफुल ड्रीम था, जीसस मेरे ड्रीम में है और मैं और जीसस, और एक बॉल रूम में बड़ा ब्यूटीफुल सा, बड़े बादलों में हर, और मैं और जीसस हैं, बहुत ही खूबसूरत था। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, तो मैं उठी और मैंने किसी और को तो बता नहीं सकती थी, तो सेरा बड़ी छोटी थी, तो मैंने सेरा को बताया कि सेरा मामा को ड्रीम आया, मामा ने जीसस के साथ डांस करी थी। तो ना सेरा बच्चा थी, तो सेरा को नहीं ख्याल रहा, तो सेरा ने जाके अपने पापा को बता दिया। और आपको पता है कि पापा इसके थोड़ा उस टाइम भी जबरदस्त एंटी जीसस थे, तो ये मेरे पास आए गुस्से में, कहते मुझे पता तुझे जो ड्रीम आया, तू जीसस के साथ जो डांस करी थी। तो उस टाइम ना मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा गाउन था, पहला मैंने कनाडा में सबसे पहला गाउन जो खरीदा था, और वो मुझे, मैं जब पहननी थी बड़ी प्रिंसेसी सा, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद था, मैंने सिर्फ एक बार पहना था। तो सिरा के पापा मेरे पास आए और कहते मुझे पक्का पता है कि तूने ना ड्रीम में यही वाला गाउन पहना होगा जिसमें तू जीसस के साथ डांस रही थी, अभी बताता हूं मैं तुझे। तो उन्होंने मेरी क्लोजर से गाउन लिया, कैंची ली, और ऐसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे गाउन के, पीसीस पीसी तार तार करके रख दिया, कहते ले कर और जीसस के साथ डांस। आपको पता है लेडीज को अपने कपड़े कितने प्यारे होते हैं, और मेरा लाइफ का मेरा पहला गाउन और प्यारा सा, बहुत मुझे हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, पर यू नो व्हाट, जीसस इज सो अमेजिंग, सो गुड। हफ्ता हुआ उस बात का, तो मैं एक मॉल में गई, तो वहां पे एक ना गाउन का स्टोर था, तो मैं ऐसे ही अट्रैक्ट होगी गाउन के स्टोर में, और वहां पे लिखा था क्लोजिंग डाउन सेल, वो स्टोर जो था वो दो दिन में बंद हो रहा था, दो दिन के बाद वो क्लोज हो रहा था। तो मैं अंदर गई, तो सेम जो मेरे कलर का, जो जिस कलर का जो सेरा के पापा ने गाउन को फाड़ दिया था, तो उस वही सेम कलर का गाउन वहां पे पड़ा था, पर जो फाड़ा था उससे 100 गुना सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना जस्ट ट्राई रूम में जाके पहन लूं, क्योंकि एक दिल में तकलीफ थी ना, तो मैंने उसको जाके ट्राई रूम में पहना, और वो जो मिरर था वो बाहर था, तो जब मैं ट्राई रूम से बाहर आई और मैं मिरर में देख रही थी, दो चार लोग वहां खड़े थे, सबने कहा कि ये तो बना ही आपके लिए है, दिस इज सो परफेक्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, सबने ऐसे कहना शुरू किया। मैं ना हंसी, मैंने कहा उसका प्राइस टैग, जो प्राइस टैग था $250 प्लस टैक्सेस, मतलब $300 के करीब। आज से ये बात भी 13 साल पुरानी है, आज भी $250 की इतनी कीमत है, 13 साल पहले तो 250 बहुत ही बड़ी अमाउंट थी कि $250 का गाउन। तो मैंने कहा ये देखे इसकी कीमत देखे, $250 का, ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो मैं उससे ये बात कर रही थी, तो जो जस्टोर का ओनर था उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे कहा कौन मांग रहा $250, यू गिव मी $20 एंड यू कैन हैव दिस गाउन। मैं आपको बता नहीं सकती, वो गाउन उसने मुझे $20 में दे दिया, सेम कलर जो सेरा के पापा ने फाड़ दिया था क्योंकि मैं जीसस के साथ डांस कर रही थी, और उससे भी 100 गुना ब्यूटीफुल गाउन जीसस ने मुझे प्रोवाइड करा। यू नो हाउ ब्यूटीफुल आर जीसस, किसी का उधार नहीं रखते। अगर कोई आपको जीसस के नाम से सताता है, खुदा मतलब आपको 100 गुना ज्यादा ब्लेस करते हैं। आमीन। एंड पाकरो ने बस मुझे, अभी मैं बैठी थी, कहा कि मैं आप सबसे शेयर करूं, क्योंकि पता नहीं आप किस परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, जीसस हमारी जिंदा उम्मीद है। जब जीसस है कोई, ट्रस्ट ऑल ऑन जीसस। जो मुझे वो $250 का गाउन मुझे $20 में दिलवा सकते हैं, ताकि मैं, मेरे दिल जो दुखा उससे भी 100 गुना ज्यादा अच्छा, तो वो सबके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। Keep loving Jesus. He is beautiful. I love Jesus. Amen.